वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल अनबॉक्स द साइंस। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, एक नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो आपको जो है विशेष ध्यान देना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है पहेली और बूझो के बारे में लिखा है कि उन्होंने स्कूल लेवल पे जो है एक साइंस क्विज कंपटीशन जो है जीता है और बहुत जो है एक्साइटेड हैं और उन्होंने जो प्राइज मनी जो उनको मिला है से वो जो है क्या बाय करना चाह रहे हैं, क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए वो कपड़े खरीदना चाहते हैं। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. आपको यहाँ से ध्यान देना है कि when they saw large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है cloth material को उन्होंने देखा तो they got confused. वो जो है confused हो गए। क्यों कंफ्यूज हुए होंगे? क्योंकि वैरायटी ऑफ जो क्लॉथ मटेरियल है, यानी जिस मटेरियल से जो है क्लॉथ्स बने हुए हैं, फैब्रिक बना हुआ है, उसमें वो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। बच्चों, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन। कुछ तो जो फैब्रिक थे वो कॉटन के जो है शॉपकीपर ने दिखाए। फैब्रिक्स मीन्स जो है कपड़ा, या क्लॉथ जो है फैब्रिक, यानी जो मटेरियल से वो बना है, तो कॉटन का दिखाया, और सम वेयर सिंथेटिक। ही आल्सो हैड उलन मफलर्स एंड सॉल। के पास उलन उनके मफलर भी थे, सॉल भी थे। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ी, सिल्क की साड़ी भी थी एज वेल। ऐसे ही जो है अन्य जो है फैब्रिक भी जो है शॉपकीपर के पास थे। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, काफी जो है एक्साइटेड हुए वो। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने जो है ये अलग अलग जो फैब्रिक थे, जैसे आपका सिल्क हो गया, उलन हो गया, कॉटन हो गया, या फिर को ये जो है इतने प्रकार के फैब्रिक, देखो वन कॉटन मैंने आपको बता दिया, सिंथेटिक, टू उलन क्लॉथ, देन फोर्थ वन इज सिल्क। तो स्टूडेंट्स जो है इतने तरह के उन्होंने जो है डिफरेंट जो है फैब्रिक देखे। फाइनली दे पाउट ए उलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने क्या किया, एक उलन मफलर लिया और कॉटन की साड़ी उन्होंने ली। आफ्टर दियर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन दियर सराउंडिंग्स। तो जब वो जो है शॉपकीपर उस शॉप में थे, शॉपकीपर ने ऑलरेडी जो है बूझो और पहेली को अलग अलग फैब्रिक दिखाए, सिल्क दिखाया, उलन दिखाया, तो बाकी भी उन्होंने जो है नोटिस किया कि वेरियस फैब्रिक्स इन दियर सराउंडिंग्स, उनके चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं। स्टूडेंट्स जो है अलग अलग प्रकार के फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, अभी आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड दैट बेडशीट देखी, ब्लैंकेट उन्होंने देखे, देन कर्टेंस पर्दे, टेबल क्लॉथ्स towels and dusters were made from different kind of fabrics, जो कि अलग अलग प्रकार के कपड़े से बने हुए थे। Even their school bag and gunny bags were made from some kind of
फैब्रिक्स। तो स्कूल बैग और गनी बैग्स, या जिसको टाट पट्टी भी आप कह सकते हैं, तो वो भी जो है अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, उन्होंने जो है पहचानने का प्रयास किया कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी बोला पहचान सकते हो ऐसा? तो स्टूडेंट्स जो है, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रकार का फैब्रिक होता है और अलग अलग प्रकार के फैब्रिक की जो क्वालिटीज होती हैं और जो सोर्स होता है वो भी अलग अलग होता है। तो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। आप भी जो है कॉटन, वूल, सिल्क या सिंथेटिक, अगर जो है कोई फैब्रिक है या कपड़ा है, क्लोथ है, आप भी पहचानने लगोगे। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी जो फैब्रिक की वैरायटी है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक जो पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एक्टिविटी दी गई है, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आपने क्या करना है, एक टेलर की जो शॉप होती है वहां पे जाना है, और जो कटिंग्स होती हैं जो कि लेफ्ट ओवर होती हैं, यानी जो ड्रेस है उसको सिलने के बाद जो बच जाती हैं, उनको आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और अलग अलग प्रकार के फैब्रिक को आपने टच करना है और उसको जो है महसूस करना है उसको, कि किस तरह का इसका कपड़ा है, फैब्रिक है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आपने क्या करना है कि अलग अलग फैब्रिक जो कलेक्ट करेंगे तो आपने टेलर की हेल्प लेनी है, आप उसको जो है कॉटन, सिल्क, वूल और जो कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक है उसको लेबल्ड करा दें, पहचान लें। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आपको ये आश्चर्य होता है कि जो है ये किस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के फैब्रिक यानी कपड़ा जो है बनाया जाता है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस, जब हम जो है किसी भी कपड़े को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें उसको देख के ये नहीं लगता कि ये कहीं पे जोड़ा गया है, ऐसा लगता है कि ये कोई जो है कंटिन्यूअस जो है ये पीस है और कहीं पे किसी किसी भी चीज से जो है इसको जोड़ा गया है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, लेकिन अगर उसको जो है बहुत नजदीक से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि अलग अलग प्रकार के जो थ्रेड हैं, तो यार्न कहा जाता है, जो थ्रेड हैं थ्रेड को आपस में स्पन करके, इस प्रकार से स्पन करके बनाया जाता है। तो ये तो आपका हो गया थ्रेड, या फिर जो है इसको यार्न भी कहा जाता है। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में हमने क्या किया था कि टेलर की हेल्प लेके हमने अलग अलग प्रकार के कपड़े जो है, कपड़ों की जो कतरन है उसको उठाया था, इस प्रकार से कलेक्ट किया था और उसको लेवल्ड कर दिया था, इस प्रकार से सिल्क इस पे लिख दिया था, तरह से कॉटन लिखवा दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है वुलन लिखवा दिया था। तो एक्टिविटी वन में जो फैब्रिक हमने एक पीस ऑफ कॉटन, कॉटन का उठाना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेज एंड पुल इट आउट। तो हमने क्या करना है कि कॉटन का जो है, कॉटन जो हम वहां पे मार्क करा के लाए हैं, कॉटन का जो फैब्रिक है उसको साइड से थोड़ा सा जो है उसको निकालना है, और लूज थ्रेड उसका जो धागा है उसको लूज करने का प्रयास करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो थ्रेड होता है उसी को जो है यार्न जो है कहा जाता है, तो उसको जो है एक साइड से जो है निकाल करके उसको जैसे उसका एज जो है निकाल लेंगे। इफ नो लूज तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये साइड से जो है पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक ऐसे निकालेंगे, तो हमको जो है क्या होगा कि जो हम पुल करेंगे, यार्न आर विजिबल, यार्न तो हमको दिखाई देता है। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज
टुगेदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, क्या होता है कि जो थ्रेड होता है या यार्न होता है, बहुत सारे जो थ्रेड हैं उनको आपस में अरेंज करके, इस तरह से अरेंज करके, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवन यानी बुन करके उनको एक साथ जो है लगाया जाता है, और देन जो है इस तरह से जो है फैब्रिक यानी कपड़ा जो है बनता है। ये है कि ये तो हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि जो है यार्न से जो है क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, यार्न यार्न या थ्रेड, थ्रेड हमें दिखाई देता है, इससे क्या बनता है, फैब्रिक जो है बनता है, फैब्रिक बनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि जो यार्न है या जो थ्रेड है ये किस तरह से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स फाइबर। फाइबर, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ, फिर जो है एक्टिविटी है स्टूडेंट, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम, यार्न अब बताने की जरूरत नहीं है, यार्न जो है क्या हो गया स्टूडेंट्स, थ्रेड हो गया, थ्रेड हो गया। टेक आउट यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, इसको टेबल के ऊपर रखेंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अपने अंगूठे की हेल्प से जो है उसको क्या करेंगे, हमसे जो है उसको प्रेस करेंगे। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल, जैसे कि फिगर में बताया गया है, यहाँ नाखून से जो है इसको दबा के थोड़ा सा इसको जो है खुरचने का भी प्रयास करेंगे। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रेंस, तो इस तरह से हम जो है इसको नेल से जो है इसे खुरचने का प्रयास करेंगे तो यार्न के जो है, यार्न जो है टूट जाता है इनटू थिन स्ट्रेंस, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है टूट जाता है, इस तरह से जो है देखो ये छोटे छोटे स्ट्रेंड में जो है ये टूट जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू आर ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर, ठीक ऐसा ही हम किस समय देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम थ्रेड थ्रेड को क्या कर रहे होते हैं कि किसी नीडल में यानी सुई जिससे आप लोग जो है सिलने का काम करते हैं, तो उस समय जो है ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है। मेनी ए टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड, कई बार क्या होता है कि हम धागे को जो है इस तरह से खोल खोल के देखने का प्रयास करते हैं तो कई पतले पतले जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड में जो है वो दिखाई देता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, तो जो है ये सुई में जो धागा पिरोने वाला काम होता है ये थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इस वाली एक्टिविटी में दिखाए गए थे, ये वाले स्ट्रैंड, इसी को स्टूडेंट्स जो है फाइबर जो है फाइबर बोला गया है। यहाँ पे देखिए द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, उसी को जो है फाइबर कहा जाता है। फैब्रिक्स, देखो स्टूडेंट्स फाइबर और फैब्रिक में थोड़ा सा अंदर है, फाइबर जो है सबसे छोटी यूनिट हो गई, इस तरह से हमने क्या क्या पाया स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी से कि सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी फैब्रिक की यानी क्लॉथ की वो है फाइबर, देन फाइबर, देन यार्न, फिर इसको कंटिन्यू जो है रख करके इसका बनाया जाता है फैब्रिक, या आप इसको जो है क्लॉथ भी इसको कह सकते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, वेयर डू दीज फाइबर्स कम, तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ कि जो जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़ा होता है उसका जो है कुछ ना कुछ सोर्स होता है, और जो
कपड़े का जो सोर्स होता है यानी जो फैब्रिक होता है उसका जो सोर्स होगा यानी स्मॉलेस्ट यूनिट का जो सोर्स होगा वो किसका सोर्स कहलाएगा, फाइबर का सोर्स कहलाएगा। तो अब हमको स्टूडेंट्स पढ़ना क्या है कि फाइबर के सोर्स क्या क्या है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन जूट सिल्क वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो स्टूडेंट जो है जो फाइबर के जो सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट और एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। और जो भी फाइबर द फाइबर विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल फाइबर, यानी जो पौधों से और जानवरों से जो फाइबर हम प्राप्त करते हैं, फाइबर की हिंदी होती है स्टूडेंट्स रेसे रेसा। तो जो रेसे हम प्राप्त करते हैं प्लांट से और एनिमल से उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। कॉटन एंड जूट इस तरह से देखेंगे, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट जो है इस तरह के फाइबर के एग्जांपल हैं जो कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये ऐसे फाइबर हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऊल आप समझते होंगे सीप, भेड़ से जो है ऊल लिया जाता है, भेड़ से लिया जाता है या गॉट से लिया जाता है या रैबिट से लिया जाता है। और सिल्क जो है स्टूडेंट्स जो है सिल्क मॉथ सिल्क का कीड़ा जो है आप समझते होंगे, तो सिल्क मॉथ से लिया जाता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ सीप और गॉट, इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स याक एंड कैमल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क जो है सिल्क फाइबर जो है किससे लिया जाता है, कोकून या सिल्क वर्म से जो है लिया जाता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो हजारों साल पहले तक जो है केवल जो है नेचुरल फाइबर ही उपलब्ध था फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, यानी पिछले लगभग 100 साल पहले फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट जो है सिंथेटिक मीन्स जो है कृत्रिम होता है और इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है कुछ जो है केमिकल्स की हेल्प से, तो इसलिए इसको जो है सिंथेटिक फाइबर कहते हैं और इसको नेचुरल फाइबर नहीं कहते। तो नेचुरल फाइबर आपके जो है नेचुरल फाइबर कौन से हो गए स्टूडेंट्स, नेचुरल जो फाइबर होते हैं अगर हम ऐसे इसको क्लासिफाई कर दें प्लांट और एनिमल सोर्स के अनुसार, तो प्लांट में आपका हो गया स्टूडेंट्स जूट हो गया, हेम्प हो गया, कॉटन हो गया, ये आपके प्लांट से जो नेचुरल फाइबर है ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। एनिमल में आपका प्लांट हो गया, वूल हो गया आपका और सिल्क हो गया, तो ये आपके नेचुरल फाइबर हैं। लेकिन कुछ फाइबर ऐसे होते हैं कि जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं कुछ केमिकल्स की हेल्प लेके उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक। अब स्टूडेंट्स जो है अलग अलग फैब्रिक के बारे में हम पढ़ते हैं फाइबर के बारे में, तो सम जो है प्लांट फाइबर्स पहला हो गया आपका कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प का विक जो है जो आप बनाते हो दीपावली के टाइम पे या कभी भी आप जो है विक बनाते हो किसके लिए, ऑयल लैम्प के लिए, दिए के लिए। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, तो क्या ये विक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली जो है कॉटन यूज करते हैं। वूल इज आल्सो यूजेज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। तो जो मैट्रेसेस होते हैं जो रजाई गद्दे होते हैं उनको फिल करने के लिए भी जो है कॉटन वूल का इस्तेमाल किया जाता है, पिलो को फिल करने के लिए भी किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसका एज जो है यानी साइड से उसको देखना है। द स्मॉल थिन स्ट्रिंग दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन
फाइबर, जो कॉटन हम देखते हैं, कॉटन में जो है हल्का हल्का एक रेशा दिखाई देता है, डस्टी डस्टी सा दिखाई देता है, तो वो आपका कॉटन का फाइबर है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, इट इज ग्रो इन द फील्ड, कॉटन का प्लांट होता है स्टूडेंट्स, जो है इनको खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, और वहाँ पे जो है ऐसी जगह में इसको अच्छा उगता है कॉटन प्लांट, जहाँ पे कि सॉइल जो है ब्लैक हो यानी काली मिट्टी हो, और वार्म क्लाइमेट, और जो है क्लाइमेट जो है वार्म हो, तो ऐसी जगह में कॉटन अच्छा उगता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप जो है हमारी कंट्री में उन स्टेट के नाम ले सकते हैं जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी जिसको कॉटन बॉल कहा जाता है, आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, जितना जो है एक कॉटन बॉल उतना ही होता है जितना आकार जो है एक नींबू का होता है। तो स्टूडेंट जो है ऐसा क्लाइमेट और ऐसी सॉइल जो है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो है कॉटन की जो है काफी खेती होती है, तो इसका जो सीड होता है कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, ये आपका कॉटन बॉल हो गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको मार्क जो है किसी और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके जो है कॉटन के और बड़ा करके थोड़ा और बड़ा करके दिखाएं, तरह से स्टूडेंट जो है ये आपका जो है कॉटन ये आपके जो है स्टूडेंट्स ये आपके जो है कॉटन बॉल इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक जो है लेमन के आकार का जो है ये होता है इस तरह से, कॉटन बॉल है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कॉटन की खेती जो है ये है स्टूडेंट। तो इनको जो है कॉटन बॉल कहा जाता है। तो कॉटन फाइबर जो है कॉटन बॉल, और ये आफ्टर जो है मैच्योरिंग, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, द बॉल्स रस्ट ओपन फूट करके ये जो है टूट फूट जाते हैं, और सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो इस तरह से जो है इसको देखा जा सकता है। स्टूडेंट आपका जो है नेक्स्ट हो गया जूट। तो जूट आपने देखा होगा, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट का एक जूट का पौधा होता है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसको जो है रेनी सीजन में जो है इसको उगाया जाता है इन इंडिया। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार और आसाम में जो है इसको उगाया जाता है जूट को। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड एंड इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जो है जूट प्लांट को हार्वेस्ट यानी जो है फ्लावरिंग स्टेज में इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर। आपने स्टूडेंट्स जो है ये शायद जो है जो फार्मिंग करते होंगे उन्होंने ये देखा भी होगा, जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो जूट के लिए यानी जो है उसके फाइबर के लिए इसको उस समय फ्लावरिंग के समय जो है इसको काटा जाता है, और जो स्टेम होती हैं जूट प्लांट की वो हार्वेस्टेड यानी इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसके स्टेम को उसकी टहनियों को काट करके जो है पानी के अंदर रखा जाता है।
स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड. तो स्टेम जो है वो थोड़ा सा गल जाता है, सड़ जाता है, देन उसको फिर जो है हाथ से ही जो है सेपरेट किया जाता है. तो स्टूडेंट जो है ये इस तरह से जूट प्लांट. स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि कॉटन क्या होता है कि कॉटन बॉल की अगर बात करें थे, कॉटन को जो है हाथ से ही जो है पिक किया जाता है, और जब ये जो है पूरा मैच्योर हो जाता है तो खेत इस तरह लगता है कि जैसे जो है बर्फ से जो है कवर हो गया होगा, स्नो से पूरा फील्ड जो है कवर हो गया होगा, और इन बॉल्स को जो है इन बॉल्स से जो है अलग जो है किया जाता है कॉटन फाइबर को. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉमिंग. इसको कॉमिंग कहा जाता है. इस तरह से आप देख रहे होंगे ये कॉमिंग है, तो सीड से इसको अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैनिंग ऑफ कॉटन. तो ये जो है ट्रेडिशनली जो है इसको हाथ से ही किया जाता है, लेकिन जो है इसको मशीन से भी किया जा सकता है. टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यार. तो स्टूडेंट्स चाहे वो कॉटन है या जूट है, तो इसका फाइबर जो है टू मेक फैब्रिक यानी फैब्रिक बनाने के लिए, पूरा कंटिन्यू जो है कपड़ा बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यार. फैब्रिक को यार्न में जो है बनाया जाता है, यानी इसको जो है इसको फाइबर को जोड़ जोड़ के एक लंबा सा थ्रेड जो है बनाया जाता है. तो स्टूडेंट्स जो है कैसे यार्न जो है बनता है और कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, तो इसकी वीडियो जो है हम जो है बाद में देखेंगे. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही.